कल टीम इंडिया बांग्लादेश से हार गई, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ। इस हार के साथ ही भारत सालों बाद फिर से बांग्लादेश से ओडीआई सीरीज हार गया, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ। हाँ, मैं खुश हूँ कि कल रोहित शर्मा का अंगूठा टूट गया। अभी आपको मेरी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा होगा कि ये फालतू की बातें क्या कर रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ असल में बात क्या है। तो कल मैच शुरू हुआ और बांग्लादेश पहले बल्लेबाजी कर रहा था और फील्डिंग के दौरान रोहित शर्मा का अंगूठा टूट गया और फिर उसके बाद रोहित शर्मा ना ही दोबारा फील्डिंग करने आए और ना ही ओपनिंग करने आए। इसका मतलब तो तभी साफ हो गया था कि आज रोहित शर्मा इतना चोटिल हो चुके हैं कि शायद आज दोबारा मैदान पर दिखाई ही ना दें। लेकिन टीम इंडिया के विकेट लगातार गिरते रहे और मैच का सिचुएशन फंसता गया और एक वक्त पर ऐसी सिचुएशन आ गई कि जब रोहित शर्मा को ही मैदान पर आना पड़ा अपने देश के लिए, अपने टीम के लिए। और उसके बाद रोहित शर्मा मैदान पर आकर बहुत ही बेहतरीन पारी खेली टूटे हुए अंगूठे के साथ में, और लास्ट बॉल पर छक्का नहीं मार सके और टीम इंडिया मैच यहीं पर हार गई। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का मानना है कि रोहित शर्मा को और पहले बल्लेबाजी करना आना चाहिए था, लेकिन उनको क्या ही पता कि रोहित शर्मा कल खेलने की हालत में थे ही नहीं। लेकिन फिर भी वो मैदान पर आए अपने टीम के लिए, अपने देश के लिए। वो अलग बात है कि मैच को जिता नहीं सके, लेकिन लड़ने का जज्बा दिखाया जो पहले कभी देखने को मिला करता था। कोई कैंसर के साथ खेलता तो कोई बर्फ लगाकर खेलता, तो कोई टाके चलवा कर खेलता, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा था। जरा सी चोट के कारण महीनों भर का रेस्ट करते हैं खिलाड़ी, लेकिन रोहित शर्मा का यह जुनून देखकर अच्छा लगा। मेरे दिल को सुकून मिला कि आज भी क्रिकेट जिंदा है खिलाड़ियों के दिल में। और यदि सिराज एक ओवर मेडन नहीं करते तो मैच का परिणाम आज कुछ और होता। रोहित शर्मा इस मैच को जिता नहीं सके, इस बात का मलाल मुझे बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन एक उम्मीद थी कि यह मैच जीत जाए तो रोहित शर्मा का यह बलिदान देश के काम आएगा। लेकिन फिर भी रोहित शर्मा के जज्बे को सलाम है, क्योंकि रोहित शर्मा को भी पता था कि यदि दोबारा अंगूठे पर चोट लगी तो मेरे करियर के लिए खतरा बन सकती है। लेकिन सब कुछ इग्नोर करते हुए रोहित शर्मा मैदान पर आए, और यदि आप भी रोहित शर्मा के इस जज्बे की सराहना करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि रोहित शर्मा ने यह सही किया कि गलत किया। और यदि आप चैनल पर नए हों तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर घंटी को जरूर बजाइएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।